दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैतूल के चिचोली में एक तपश्री बाबा का आश्रम है, जिसका वीडियो मैंने लगभग 1.5-2 साल पहले बनाया था, जिस पर आपका अच्छा प्यार मिला। तपश्री बाबा एक बहुत सिद्ध संत हुए हैं, जिनकी तप स्थली सतपुड़ा के घने जंगलों में झापल नामक गाँव से वो 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर है, सतपुड़ा के पहाड़ी पर। तो आज संयोग से, बाबा की कृपा से, मैं आप पहुंचा हूं तपश्री बाबा की तप स्थली पर, पहाड़ी के ऊपर। तो आइए हम दर्शन करते हैं तपश्री बाबा की तप स्थली के, जो सतपुड़ा की पहाड़ी पर है, सतपुड़ा के जंगलों में है, और जानेंगे तपश्री बाबा के बारे में। हमारे साथ हैं अनिल और अतुल, ये दोनों लोग हमारे साथ हैं, लोकल गाइड हैं हमारे, चिचोली के रहने वाले हैं। इनसे हम जानेंगे तपश्री बाबा के बारे में। अभी पतझड़ का समय है, इसलिए चारों तरफ आपको रूखे रूखे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, किंतु बारिश के दिनों में यहाँ की खूबसूरती की कल्पना की जा सकती है। कितना खूबसूरत लगता होगा ये जंगल। हम पहुंच चुके हैं तपश्री बाबा आश्रम, जो सतपुड़ा के घने जंगलों में पहाड़ की चोटी पर स्थित है, और जिनका एक आश्रम का वीडियो मैंने पहले भी डाला है, जो आश्रम चिचोली में है। और यहाँ तपश्री बाबा की साधना स्थली, तप स्थली रही है, चिचोली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर। ये निर्माणाधीन भवन है, और इसी भवन के अंदर तपश्री बाबा की तप स्थली रही। बैतूल जिले की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी है तपश्री बाबा की तप स्थली। कहते हैं जब तपश्री बाबा यहाँ तपस्या करते थे, उस समय शेर भी यहाँ पानी पीने आता था कुएं पर। समय थे यहाँ पे जी, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जी, तब मैं यहाँ पे कुछ समय रहा था। बाबा जी के साथ रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, बाबा जी, मैं लालटेन में रामायण जी पढ़ता रहता था जी। बाबा जी सुनते रहते थे, एक शब्द भी अगर गलत उच्चारण हो जाता था तो वो उसी समय मुझे रोक देते थे। अच्छा। हाँ, उन्हें रामायण जी कंठस्थ याद थी। जी, कंठस्थ याद थी। अच्छा, रामायण जी जी। चमत्कारों के बारे में तो आप ये कहना चाहिए कि आसन सिद्ध था उनका जी, वाणी सिद्ध थी जी, वो जो बोलते थे वही होता था। अच्छा। आसन पे बैठ जाते थे, थोड़ी सी भी भोजन सामग्री लेके तो वो खत्म नहीं होती थी। अच्छा। हाँ, अरे वाह, इस प्रकार से उनका आसन सिद्ध। अब हम चल रहे हैं, एक झिरिया है नीचे, यह है वो एक छोटा सा कुआं। देखने में ज़रूर ये छोटा सा कुआं है, किंतु इसमें इतना पानी है कि इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता। बैतूल ज़िले के सबसे ऊंचे स्थान पर इतने उथले कुएं में पानी का हमेशा रहना, यह भी एक चमत्कार से कम नहीं है। सन 1962 में आए हैं। अच्छा। और जून, मई जून के समय था, बाबा जी इसी पेड़ के नीचे आके बैठे, इस वृक्ष के नीचे, इस वृक्ष के नीचे बैठे थे। अच्छा। बैठे, बाबा जी के पास कोई आना ना जाना, धीरे 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 बारिश का समय आ गया। हाँ। तो यहाँ घना जंगल के कारण कोई आता नहीं था। ये तपश्री बाबा
तपोभूमि है झिरिया पहले से ही है, मतलब ये संतों की पहले से, हाँ संतों की भूमि है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा जी यहाँ बैठे हैं, बाबा जी ने कहा कोई भक्त से मिलन हुआ उनका, तो भक्त से बोला मेरी कुटिया बना दो, कुटिया बना दे, कुटिया बना दे तो अच्छी बात है दूनी के भर के लिए। उन्होंने सुना नहीं, अंत बारिश आ गई, इधर उधर बोनी हो गई, यहाँ पानी का नाम नहीं। अच्छा। हाँ। जब गांव वालों के समझ में बातें आई, गांव वाले ने फिर बाबा की कुटिया बनाई, कुटिया बनाई, दो तीन दिन लगे कुटिया, छोटी सी कुटिया बनाने में अब समय तो लगता ही है, घास फूस की कुटिया बनाई। और बाबा जी का डेरा मतलब सामान यहाँ से कुछ नहीं था, बाबा जी के पास एक कमंडल था और एक साल थी जो अभी साल है, और पाँव में खड़ा और एक कुबड़ी के सिवाय बाबा जी के पास कुछ नहीं था। अच्छा। बाबा जी के सामान वहाँ ले गए कुटी में, कुटी में जाओ बोले आप कल से बोनी करना करके बोले। बाबा हम तो पानी से बोले निश्चित रह गए, बोले पानी हमारे यहाँ गिरा नहीं, हमने क्या किया है बोले तुम, बोले जाओ कल से बोनी होगी। यहाँ से बस जाने लगे तो चलते चलते रास्ते में अब जंगल घना था, मोर और कोयल वो पानी के कारण उगती जाए तो वो एकदम चिल्लाने लगी, और थोड़ी दूर गए और घना घोप बारिश हुई, मतलब अच्छा बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, दूसरे दिन से बोनी चालू। सबसे पहले इस वृक्ष के नीचे बाबा जी के दर्शन हुए थे, यहाँ प्रकट हुए बाबा जी, यहाँ पे बड़े ही महान क्षेत्र के संत तपश्री बाबा की तपोस्थली है ये, जो बाद में कुछ समय यहाँ पे रहे, 10 से 20 साल 50 साल पता नहीं कितने रहे, यहाँ के लोग बताते 50-100 साल यहाँ उनकी तपस्या हुई, उसके बाद यहाँ से संत भक्तों के निवेदन पे चिचोली गए थे। अच्छा, यह चिचोली में जो आश्रम है वहाँ जी, वहाँ पे भी तपश्री बाबा के नाम से आश्रम बना हुआ है, वो यहीं से पहुँचे हुए संत हैं वो तपश्री बाबा। बाबा जी की जो विभूति हुआ करती थी बहुत चमत्कारिक रहती थी, सभी लोग उसका सेवन करते थे, टीका लगाते थे। उनके पास एक कटोरा हुआ करता था। अच्छा। जिसमें जैसे अपन ने उन्हें आमंत्रित किया घर पे, तो अपने घर पे खीर पूड़ी भजिया नमकीन कड़ी जो भी बना तो सभी चीज वो एक ही उसी कटोरे में ले लेते थे। अच्छा। और जो एक बार जो परोस दिया बस उतने ही लेते थे। अच्छा। अब खीर हो चाहे कड़ी हो दोनों को मिक्सचर करके पूरा एक साथ सेवन करते थे। बहुत स्वाद नहीं जानते, मैंने उनका स्वाद का उनके लिए कोई मोल नहीं था। उसी वर्ष जंगल भी किसी ठेकेदार ने ले लिया था। अच्छा। पहले ठेकेदार जंगल लेते थे, तो ठेकेदार ने जंगल लिया था तो एक टप्पर थी यहाँ पे, तो टप्पर के अंदर दो बैल वो लकड़ी निकालने के लिए रखते थे, तो अचानक अंगार लगी, पास में थी ये ऊपर, अचानक अंगार लगी चारों तरफ घिरी, वो जो टप्पर में जो रखवाली चौकीदार रहता था वो चिल्लाना, बाबा जी ने निकल के देखे, बाबा जी ने अंगार के अंदर से बैल निकाल ली। अच्छा, बैल निकाला, बैल निकाले उन्होंने, मतलब कुटी बनाकर ऊपर ये कनेर देख रहे हैं आप, इस कनेर के नीचे रहे और उसके बाद ये जो निर्माणाधीन भवन है यहाँ भी बाबा जी रहे। हाँ, ये पायरी चल कर जाता था शेर पानी के लिए। अच्छा, शेर आता था यहाँ, यहाँ शेर भी आता था और यहाँ से उतरकर पानी पीकर और वापस चला जाता था, आपने देखा है उसे? जी, वो तो आँख से देखा है, आँख से देखा है आपने। 5 बजे की बात है, मैं स्कूल वो बाबा के शरीर में पढ़ने जाता था। हाँ। पढ़ के आया और बस रुक गया। हाँ। बाबा जी नहीं जाने लगा, बाबा जी जाओ घर, नहीं गया मैं तो। 5 बजे बिल्कुल दिन अस्त हो रहा था। हाँ। मतलब शाम को, शाम को, और उस समय अचानक आए, काफी जंगल था। हाँ। अचानक आया वो पानी पी रहा, बाबा बोले सामने टप्पर थी, टप्पर में थे। हाँ। बाबा जी कह मत देखे, बोले इधर देख। हाँ। पानी नहीं पिया वो, जाकर फिर ये यहाँ बैठ गए। अच्छा। देखा हूँ, यहाँ भंडारा हुआ करता है आज भी। अच्छा। जो पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अच्छा। यहाँ का स्वाद कहीं नहीं मिलेगा आपको। कब होता है भंडारा ये? यहाँ का भंडारा लगभग मकर संक्रांति पे के आसपास हुआ करता है। अच्छा। जनवरी माह में, तो एक तो यहाँ का ये है कि कभी किसी से 2 रुपया कोई मांगता नहीं, कोई रसीद गड्डी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब भक्त अपने अपने मतलब स्वेच्छा से
यहाँ लाके सामग्री पहुँचाते हैं और खुद ही भक्त गण बनाते हैं, भंडारा और प्रसादी होती है। और वो प्रसादी मतलब यहाँ की झापल की कह लो, तपश्री बाबा की या चिचोली की कह लो, पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। उसका स्वाद कहीं मिला है, हम लोग भी बहुत घूमे, पर वो बेसन हलवा पूड़ी का प्रसाद जो बढ़ता है यहाँ पे, वो प्रसादी का स्वाद ही कुछ विशेष होता है। गंजाल, सात नदियाँ निकली हैं यहाँ से। हाँ, कौन कौन सी नदियाँ? एक तो भाजी है, मोरन, मोरन, भाजी, काजल और गंजाल, चार हो गई। उधर है गांगुल, खंडी, चामिल, पांच। और वैसे पास में तो वैसे बहुत नदी है, रानी कोल भी है जो पुलिया भीमपुर में पानी जाता है। अच्छा। और केसरी कोल। अच्छा, मतलब यही पास पास की बात बता रहा हूँ। हाँ, इसी पहाड़ी से है। हमारे बैतूल जिले का सबसे ऊंचा स्थान। पहले इसका उल्लेख भूगोल में हुआ करता था, समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊंचा है। सावन मास में हर्रा का उपास किया था, एक दिन में एक हर्रा, दूसरे दिन दो, जैसे जैसे उनकी मात्रा बढ़ाई, आखिरी दिन 30 हर्रा का उपास किया। हर्रा जो होते हैं, हर्रा का उपास किया था, वो हमारे समक्ष किया है। मतलब ये पहले दिन एक हर्रा, दूसरे दिन दो हर्रा, तीसरे दिन तीन हर्रा, मतलब ऐसी मात्रा बढ़ते बढ़ते आखिरी दिन 30 हर्रा, 30 हर्रा, 30 हर्रा का उपास किया। दोस्तों, बहुत अच्छी जगह है, मन को सुकून देने वाली, मन को शांति प्रदान करने वाली जगह है। तपश्री बाबा का आश्रम जो सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। तपश्री बाबा के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा कुछ पिछले वीडियो में भी बताया था, किंतु आज आपको बहुत सारी बातें जानने को मिली तपश्री बाबा के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो तपश्री बाबा की।